बस्ती सदर प्रत्याशी दयाराम चौधरी ने गिनाए उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी के बस्ती सदर विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी दयाराम चौधरी 5 साल के कार्यकाल में सड़कों से लेकर पुल का निर्माण करा रहे हैं तथा गणेशपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाए। सबसे किसानों के लिए मुंडेरवा चीनी मिल को अथक प्रयास के बाद चला दिया, क्षेत्र में कई विकास कार्यों को अंजाम दिया और वर्तमान में विकास के लिए संकल्प ले रहे हैं। विधायक द्वारा किया गया विकास कार्य जनता के सामने उपलब्धियां गिना रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार सरकार के किए गए कार्यों के कारण गरीबों को कोरोना काल में चूल्हे की आग नहीं बुझने दिया जाएगा और किसान सम्मान निधि तथा श्रम कार्ड के जरिए जनता और किसानों को बढ़िया फायदा कराया गया। भाजपा अगर 10 मार्च को सरकार बनी, आवास और शौचालय अधूरे पड़े लोगों का पूर्ण कार्य कराया जाएगा तथा विकास के संकल्प पत्र में बस्ती विधानसभा आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प लेता हूँ। जनता से इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कमल के फूल का बटन दबाएं, यही हमारी विनती है। बस्ती से अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी मीडिया टीम विजिट करती है, गांव के ग्रामीणों का तमाम आरोप रहता है कि सड़कें टूटी फूटी हैं, आने जाने में परेशानी होती है, तो क्या इस बार आपकी सरकार बनेगी तो इस क्षेत्र के लोगों को निजात मिलेगी इस समस्याओं से? देखिए, हमने तो प्राथमिकता के आधार पर गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया था, तमाम सड़कें गड्ढा मुक्त हुई भी हैं, लेकिन एक सड़कों की एक व्यवस्था है, वो बनेगी तो उस पर जब आवागमन बढ़ेगा तो वो टूटेगी भी, टूटेगी भी तो बनेगी भी, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। हो सकता है आपको सड़कों पर मरम्मत या गड्ढे मुक्त ना हो पाए हों, लेकिन निकट भविष्य में चुनाव के बाद पुनः हम उन गड्ढों को मुक्त करने के लिए और जो कुछ सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की यदि अधूरी भी रह गई हैं उन सड़कों को विकास करने के लिए, उन सड़कों को काली सड़क बनाने के लिए भी मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में किसानों के सर, फिर मैं आपको ये रोकना चाहूँगा, शिक्षा क्षेत्र की आपने बात किया, मैं शिक्षा क्षेत्र से आपसे पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार बीपीएड के लिए यानी खेल शिक्षक के लिए जो है शिक्षा तो देती है, लेकिन इनके लिए कोई वैकेंसी पिछले 10 वर्षों से नहीं आई है। तमाम सारे प्रशिक्षार्थी जो खेल की ट्रेनिंग देते हैं ये जो है ओवर एज हो जा रहे हैं। तो आप 5 साल शासन में भी रहे, क्या ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठा इन खिलाड़ियों के लिए? देखिए, 10 वर्षों की बात तो नहीं करता, 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ है, जिसमें 2 साल जो कोरोना जैसी महामारी थी उसके व्यवस्था में ही सरकार उलझी रही जी। और आपको खुशी होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन, जिनका जनप्रतिनिधि इस कोरोना जैसी महामारी में प्रवासियों की सेवा करने के लिए, उस रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए, वेंटिलेटर के लिए, वार्ड के लिए, अस्पताल के लिए लगातार प्रयास किया है। जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, किसी भी संगठन का सिंगल भी पदाधिकारी कोई उस महामारी में दिखाई नहीं पड़ा। फिर 2 साल का हमारा जो कोरोना काल था वो बीत गया, 3 वर्ष का कार्यकाल मिला है, 3 वर्ष में भरपूर कोशिश हुआ है कि सड़कों को बनाया जाए, जो बीपीएड या अन्य बेरोजगार लगभग 4.5 लाख लोगों को 3 साल के अंदर, यानी लगभग 5 साल कार्यकाल अगर मान लीजिए तो 5 साल के अंदर 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। और पहली ऐसी सरकार है जो पारदर्शी तरीके से किया है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप पूरे 5 साल के कार्यकाल में किसी भी नियुक्ति में नहीं लगा है। जी, और कृषि योजनाओं थोड़ी सी बारिश हो जाने के बाद जल जमाव की स्थिति खड़ी हो जाती है, उस जल जमाव को दूर करने के लिए हमने सीवर प्लान की योजना बना रखी है। एक मास्टर प्लान के तहत इस शहर को भी एक नए स्टेडियम बनाने के लिए प्रयास करूंगा। फिर अन्य जो हमारे क्योंकि बड़ा पुराना शहर बसा है, जब उस समय आबादी कम थी, सड़कें पतली हैं, चौराहों पर जाम लगा रहता है, इन जाम को भी ख़त्म करने के लिए चौराहों को चौड़ीकरण करना, सड़कों का चौड़ीकरण करना, जाम की समस्या से निजात दिलाना और पानी की समस्या से निजात दिलाना, इन सारे विकास के मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। जनता का अपार स्नेह और समर्थन मेरे जैसे किसान परिवार दयाराम चौधरी को। सर, मैं एक आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, आपके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? पत्रकार पिट रहे हैं और पत्रकार शोषित हो रहे हैं, उनके लिए आपकी सरकार? नहीं नहीं, पत्रकार कहीं नहीं पिट रहा है, पत्रकार हमारे एजेंडे में सर्वोपरि है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसके अन्य सुविधाओं सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी ये पद आदायकरी होता है पत्रकारिता, और इनके लिए कुछ सरकार की योजना है सर? हाँ, अब है, चूंकि ये तो चौथा स्तंभ माना जाता है और यह
अवैतनिक होते हैं, आपने सही कहा है, यह इनका कोई दुरूह, इनका कार्य भी बड़ा दुरूह होता है। विषम परिस्थिति में ये अखबार में अपने मैसेज देते हैं, तमाम माफियाओं के खिलाफत भी करते हैं, उनकी ओपिनियन देते हैं, इस नाते थोड़ा इनके असुरक्षा की भावना रहती है। लेकिन हमारी सरकार ने जहाँ भी कभी भी किसी पत्रकार पर किसी भी तरह का अगर कहीं कोई दिक्कत आई है तो उन दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया है और प्राथमिकता हमारी पत्रकारों के सुरक्षा की है। 40 से ऊपर एक एक आखिरी जो है बता हुआ है, एक मिनट सर, एक मिनट। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा आपका क्या रहेगा? मुख्य मुद्दा तो हमने पहले बता दिया, हम विकास को लेकर के जाएंगे। चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो जनता को देना चाह रहे हैं, हमारी जितनी भी योजनाएं चली हैं सीधे गांव के आम आदमी पात्र व्यक्ति तक पहुंचा है, चाहे आवास हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, या शौचालय हो, या हमारे गन्ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, उनके खाद का हो, सड़कों का जो हमने एक बृहद रूप से जाल बनाया है, बिछाया है उसका, वो चाहे वो सड़कों के जाल का मामला हो, हम इन मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था लगातार 500 वर्षों से, एक हिंदुत्व के हर हिंदू के भावना यह थी कि भगवान राम मंदिर बन जाता तो हम लोग भी भगवान राम का दर्शन करते। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय उच्च न्यायालय को कि उसका आदेश हुआ, और उन हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, कि कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन उन्होंने कराया और वहाँ भव्य मंदिर का शिलान्यास भी हुआ। अब तमाम ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं, 500 वर्षों की लड़ाई थी और 500 वर्षों की लड़ाई को माननीय उच्च न्यायालय ने ख़त्म किया और इस सरकार ने लाइन आर्डर को प्राथमिकता पर रखते हुए वहाँ भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भी करा दिया और आज भव्य मंदिर बन रहा है। आखिर में ये सारे मुद्दों को लेकर आखिर में एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछते हैं, 3 तारीख को मतदान होना है, इस पर आप अपने पार्टी के पक्ष में जनमानस को, आप विधानसभा बस्ती सदर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बस्ती सदर के सम्मानित मतदाताओं को मैं अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपको अगर कहीं कोई बीमारी हो जाए तो अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं, आपको कहीं कोई मुकदमा हो जाए तो अच्छे वकील की तलाश करते हैं, अगर आपको कहीं रिश्ता बनाना हो तो अच्छे रिश्तेदार की तलाश करते हैं। तो इसमें भी सारी पार्टियों को आप परखते हुए, सारी पार्टियों के बारे में विचार करते हुए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी नीतियाँ अच्छी हैं, जिसके कार्यक्रम अच्छे हैं, जिसमें हर वर्ग के लोग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हम उसे भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रम लेके जाना चाहते हैं। हम पुनः जनता से अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखें, हमारी नीतियाँ, हमारा कार्यक्रम हर गरीब के लिए है, हर उस परिवार के लिए है जो उसका पात्र है, और आगे आने वाले 3 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोगों को कराएं भी, और जब भी पोलिंग पर जाएं तो मेरा तो, चूंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ, मेरी तो विनती ही है, मेरी तो प्रार्थना है, मेरी तो गुजारिश है, जब भी आप बूथों पर जाएं तो कमल बटन, कमल के निशान जहाँ होगा वहाँ अपना बटन दबाएं। मैं दयाराम चौधरी जैसे किसान परिवार में पैदा हुए नौजवान को आप अपना मूल्य मत दे करके पुनः सेवा करने का अवसर दें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।